Hey guys, welcome to my YouTube channel Logical Thinkers. In this video, I will discuss about Wien bridge oscillator and its frequency derivation. Wien bridge oscillator is a harmonic oscillator, which means it generates sinusoidal signal. Wien bridge oscillator जो होता है वो एक harmonic oscillator होता है. Harmonic oscillator वो oscillator होता है जो sinusoidal signal generate करता हो. It generates sine wave in the range of audio frequency. ये audio frequency की range में sine wave produce करता है. ये इसका circuit diagram है जिसमें op amp का use होता है. ये इसका Wien bridge network है जो op amp के feedback circuit से connected होता है. इसके total 4 arms होते हैं जिसमें जो 2 arms होते हैं वो RC network उसमें use होता है. और जो 2 arms होते हैं वो प्योरली रेजिस्टिव होते हैं. प्योरली रेजिस्टिव का मतलब होता है जिसमें केवल रेजिस्टेंस का यूज़ हुआ. जिन दो आर्म्स में आरसी नेटवर्क का यूज़ होता है उनमें से जो एक आर्म है उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और जो बाकी दूसरी आर्म होती है उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. इन द फीडबैक पाथ एंड आरसी नेटवर्क इज कनेक्टेड. इसके फीडबैक पाथ में आरसी नेटवर्क कनेक्ट होता है. इसमें 0 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होता है. आइए अब इसकी फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन को देखते हैं. फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन के लिए हमने इसके सर्किट को रीअरेंज करा हुआ है. ये इसका सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने ये ओप एम्प का यूज़ करा हुआ है. देखिए यहाँ पे जो R3 है वो देखिए यहाँ पे इससे कनेक्टेड है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए R3 इससे कनेक्ट कर दिया और जो इसका दूसरा साइड है वो देखिए इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. हमने इसका जो दूसरा साइड है वो देखिए इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया. जो R4 है उसका देखिए जो एक साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और दूसरा साइड है वो ग्राउंडेड है. तो जो हमने R4 का देखिए एक साइड हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और दूसरा साइड देखिए हमने ग्राउंड कर दिया है. ठीक है, और इसका RC नेटवर्क इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो हमने इसके RC नेटवर्क को इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जिसमें से एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्ट है. तो हमने यहाँ पे देखिए सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है. तो हमने यहाँ पे देखिए इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. इसका आउटपुट था वी नॉट जो इसके फीडबैक सर्किट के लिए इनपुट का काम करेगा और जो फीडबैक सर्किट का आउटपुट था वो था वी एफ. इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कोई भी इनपुट नहीं लेते. इसमें जो वी एफ होता है वो इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए इनपुट का काम करता है. इस वेन ब्रिज सर्किट में जो रजिस्टर और कैपेसिटर यूज हुए हैं इनमें जो थर्मल नॉइज प्रोड्यूस होती है वही थर्मल नॉइज इस एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करेगी. इसमें जो R1 और R2 यूज़ हुए हैं इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होती है तो इसकी वैल्यू ले ली है R. और जो C1 C2 यूज़ हुए हैं इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी, इनकी वैल्यू ले ली है C. हमने इसके फीडबैक सर्किट को यहाँ पे अलग बना लिया है. इसका जो इनपुट होगा वो होगा वी नॉट और जो आउटपुट होगा वो होगा वी एफ. यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पे इंपीडेंस फाइंड करेंगे. तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ले ली है Z1 और जो यहाँ पे जो पैरेलल पे कनेक्टेड है इसकी वैल्यू ले ली है Z2. XC बराबर होता है 1/ωC. 1/ωC बराबर होता है 1/2πfc. मतलब XC की वैल्यू डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर पे. मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटाएंगे तो XC की वैल्यू बढ़ जाएगी. जब XC की वैल्यू बढ़ेगी तब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे तब XC की वैल्यू घट जाएगी. जब XC की वैल्यू घटेगी तब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा. तो इस पे हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं क्योंकि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम आउटपुट देगा. और इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. बीटा बराबर होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज. इस पे आउटपुट वोल्टेज है VF अपॉन में इनपुट वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज होगा वी नॉट. तो बीटा बराबर हो जाएगा VF अपॉन वी नॉट. VF बराबर होता है वी नॉट इनटू अपोजिट इंपीडेंस अपॉन में टोटल इंपीडेंस. तो हमने यहाँ पे VF की वैल्यू पुट अप कर दी. VF बराबर हो गया वी नॉट अपोजिट इंपीडेंस में Z2 इनटू Z2 अपॉन में Z1 प्लस Z2 और 1/V0 यहाँ पे पहले से लिखा था. तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट अप कर दी. V0 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो बीटा बराबर आ जाएगा Z2 अपॉन में Z1 प्लस Z2. अब हम यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. Z1 में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है तो Z1 बराबर हो जाएगा R+1/SC. 1/SC इसलिए क्योंकि जब कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1/jωC और jωC की जगह हमने यहाँ पे S ले लिया है. और Z2 में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है तो Z2 बराबर होगा R+1/SC. Z1 और Z2 की वैल्यू हम इसमें पुट अप कर देंगे तो बीटा बराबर आ जाएगा हमारा ये. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इन दोनों का इक्वेलेंट निकालना पड़ेगा. जब हम इन दोनों का इक्वेलेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी R(1/SC) अपॉन में R+1/SC अपॉन में R+1/SC प्लस R(1/SC अपॉन में R+1/SC. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. जब हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो जो RCS+1 की वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी और RSC+1 और RSC+1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी RSC अपॉन में RSC+1 का होल स्क्वायर प्लस RSC. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी RSC अपॉन में R²S²C² प्लस 3RCS+1. अब हम S की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे. S की वैल्यू थी jωC. जो ऑसिलेटर होता है वो बारकहॉसन क्राइटेरिया को फॉलो करता है. बारकहॉसन क्राइटेरिया में क्या होता है, जो A बीटा होता है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है. इसमें जो A होता है वो रियल होता है. हम इसमें जो बीटा है बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे. A तब रियल होगा जब इसमें jωC और jωC पार्ट कट हो जाएगा. ये कट तब होगा जब इसमें 1 -ωC²R²C² की वैल्यू 0 हो जाएगी. इसीलिए हमने -ωC²R²C² + 1 की वैल्यू 0 के इक्वलेंट कर दी है.
ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/r² c² तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1/rc के बराबर, तो एफ बराबर आ जाएगा 1/2πRC, यही हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। हमने इसमें 1 - ओमेगा² r² c² की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट कर दी थी, अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a इंटू जे ओमेगा आर सी अपॉन में 3j ωRC² 1, तो a बराबर आ जाएगा 3। अब हम a की वैल्यू a बीटा बराबर 1 में पुटअप कर देंगे तो 3β बराबर हो जाएगा 1, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3। गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू।